दोस्तों आज हम बात करेंगे महिंद्रा हॉलीडे एंड रिसोर्ट इंडिया लिमिटेड के बारे में। अगर बात करें कंपनी के स्टॉक प्राइस, कंपनी का स्टॉक 311 रुपये पर ट्रेड कर रहा है। आज की ट्रेडिंग सेशन में 3.67% की तेजी इस स्टॉक में देखने को मिली है। पिछले एक महीने की अगर बात की जाए तो 16% की तेजी इस स्टॉक में देखने को मिली है। अगर लास्ट के एक साल के चार्ट को देखें तो यहाँ पर 24% का कंपनी ने जो रिटर्न दिया है। कंपनी को लेकर अपडेट है, कंपनी के क्वार्टर फोर की जो अर्निंग्स है उसके रिजल्ट यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। अगर बात करें रिजल्ट की, क्वार्टर थ्री और क्वार्टर फोर की अगर बात करें तो क्वार्टर थ्री के अंदर कंपनी का जो टोटल जो इनकम थी 624 करोड़ की थी, वो बढ़कर 735 करोड़, 17% की इसमें वृद्धि देखने को मिली है। नेट प्रॉफिट -11 करोड़ से बढ़कर 56 करोड़, यानी कंपनी नेगेटिव में आपको नेट प्रॉफिट देखने को मिल रहा था, जो पॉजिटिव के अंदर 56 करोड़ देखने को मिला। काफ़ी 574% की शानदार वृद्धि यहाँ पर देखने को मिली है। अर्निंग पर सर -0.59 से बढ़कर 2.81 रुपीज़ का यहाँ पर देखने को मिल रहा है। अगर बात करें पिछले साल के क्वार्टर फोर के अंदर अगर कंपनी की टोटल इनकम 582 करोड़ की थी, वो बढ़कर 735, 26% की वृद्धि इसमें देखने को मिली है। नेट प्रॉफिट 16 करोड़ से बढ़कर 56 करोड़ हो गया, 247% की इसमें भी शानदार इंप्रूवमेंट आपको देखने को मिला है। अर्निंग पर सर 0.81 रुपीज़ से बढ़कर 2.81 रुपीज़, 246% की इसमें भी शानदार वृद्धि देखने को मिली है। अगर बात करें ईयर ऑन ईयर बेसिस पर फाइनेंशियल ईयर 2022 और 2023 को कंपेयर करें तो 2022 के अंदर कंपनी का टोटल इनकम 2178 करोड़ थी, वो बढ़कर 2623 करोड़, 20% का इंप्रूवमेंट इसमें देखने को मिला है। नेट प्रॉफिट 67 करोड़ से बढ़कर 115 करोड़, यहाँ पर 70% की शानदार वृद्धि इसमें देखने को मिली है। नेट जो अर्निंग पर शेयर है 3.37 से यहाँ पर 3.37 से 5.53 आपको देखने को मिल रहा है, यानी इसमें भी अच्छी खासी शानदार तेजी देखने को मिली। कंपनी के अगर पिछले 5 सालों के रेवेन्यू की बात करें तो 2018 से लेकर 2022 तक कंपनी का रेवेन्यू आपको एक ही लाइन में आपको देखने को मिल रहा है। हालांकि 2021 के अंदर इसमें गिरावट भी आपको देखने को मिली है, लेकिन 2022 के अंदर कंपनी का रेवेन्यू दोबारा से आपको बढ़ता हुआ नजर आया है। नेट प्रॉफिट को अगर देखें तो नेट प्रॉफिट में काफ़ी ज़्यादा गिरावट आपको फाइनेंशियल ईयर 2022 के अंदर देखने को मिली है। हालांकि 2021 के अंदर कंपनी ने काफ़ी कुछ कवर किया है, 2022 के अंदर भी ये ट्रेंड लाइन आपको अच्छी खासी कंपनी ने यहाँ पर जो अपना नेट प्रॉफिट है कवर करती हुई नजर आ रही है। अगर बात करें फाइनेंशियल ईयर 2023 की तो वहाँ पर भी जो कंपनी का प्रॉफिट है 115 करोड़ के आसपास है, यानी अच्छी खासी कंपनी ने यहाँ पर नेट प्रॉफिट को कंटिन्यू किया जिसके कारण। लेकिन सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि पिछले कुछ समय अगर लास्ट क्वार्टर की बात की जाए तो वहाँ पर कंपनी जो रिजल्ट है वो नेगेटिव में देखने को मिल रहा था। जैसे दिसंबर क्वार्टर के अंदर 14 करोड़ कंपनी को नुकसान हुआ, हालांकि इससे पहले एक अच्छा खासा इंप्रूवमेंट कंपनी ने दिखाया है। लेकिन अगर मार्च क्वार्टर की अगर बात की जाए तो वहां पर कंपनी ने अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट किया है, टोटल 56 करोड़ का यहां पर कंपनी को प्रॉफिट हुआ है, यानी कंपनी ने इसी ट्रेंड लाइन को फॉलो किया है। तो अच्छा खासा यहां पर कंपनी का जो है रिजल्ट आपको देखने को मिल रहा है, और इसके इंपैक्ट आगे आने वाले ट्रेडिंग सेशन में आपको ऑब्वियसली देखने को मिलेगा। कंपनी की जो स्टॉक प्राइस है उसमें भी आपको अपवर्ड मूवमेंट देखने को मिल सकता है। अगर बात की जाए शेयर होल्डिंग पैटर्न, प्रमोटर ग्रुप की अच्छी खासी यहाँ पर होल्डिंग देखने को मिल रही है, 67% के आसपास से प्रमोटर्स की होल्डिंग है। फॉरेनर्स की अगर बात की जाए तो वहाँ पर उनकी होल्डिंग भी 5.12, यानी यहाँ पर कंटिन्यूसली इसमें होल्डिंग आपको उनको बढ़ती हुई नजर आ रही है। डोमेस्टिक इन्वेस्टर की अगर बात की जाए तो हल्की सी उनमें उनकी होल्डिंग में मार्च 2022 में 9.71 थी, वो मार्च 2023 के अंदर 8.13, यानी हल्की सी डाउनवर्ड आपको उनकी होल्डिंग में देखने को मिला है। पब्लिक की अगर बात की जाए तो पब्लिक की होल्डिंग यहाँ पर 19.48 की है। आगे आने वाले ट्रेडिंग सीजन में यहाँ पर ऑब्वियसली इस स्टॉक में आपको अच्छी खासी अपवर्ड मूवमेंट देखने को मिल सकती है, क्योंकि कंपनी के जो क्वार्टर फोर के अर्निंग्स जो नंबर है काफ़ी बेहतरीन रहे हैं, और जिसके कारण वो फाइनेंशियल ईयर 2023 के जो रिजल्ट है वो भी पिछले साल की तुलना में बेहतरीन रहे हैं। अगर आप इस स्टॉक में निवेश करना चाहते हैं तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की जरूर सलाह लें। आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा। कीप सपोर्ट।